स्वागत दोस्तों आप सबका फिर से एक न्यू वीडियो के अंदर। दोस्तों आज की इस वीडियो में छोटे यूट्यूबर्स को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब आप अपना यूट्यूब चैनल बनाते हैं उसके अबाउट सेक्शन में जो भी कुछ लिखना होता है, जैसे कि मेरे को सब्सक्राइब करो, ये करो, वो करो, सब कुछ लिख दिया। उसके बाद आप वहाँ पर देते हैं जीमेल एड्रेस, जो कि मैक्सिमम सभी लोग क्या करते हैं जो कि वहाँ पर गलत जीमेल एड्रेस देते हैं, मतलब गलत ईमेल डालते हैं, जिसकी वजह से उनको आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है और उनका चैनल हैक होने की भी संभावना होती है। और जब उनका चैनल मोनेटाइज होता है, अच्छा बेस सब्सक्राइबर का बन जाता है और अच्छे उनमें व्यू आते हैं, तो उनको वहाँ पर स्पॉन्सरशिप मिलने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। और अगर आप भी एक यूट्यूबर हो तो आपको जाना बहुत जरूरी कि कौन सा वहाँ पे ईमेल एड्रेस डालना चाहिए, जिसकी वजह से आने वाले टाइम में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो और स्पॉन्सरशिप भी आसानी से मिल जाए। और अगर आपको ये भी नहीं पता कि ईमेल एड्रेस डालते कैसे हैं, तो वो भी आपको यहाँ पे बता दूंगा। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते इस वीडियो को शुरू करते हैं, बट उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे नॉलेज वाली वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। और घंटी दबाकर आल दबाना बिल्कुल मत बोलना। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम अपना यूट्यूब का चैनल बनाते हैं, उसके बाद अपने चैनल का नाम लिखते हैं, फिर अपने चैनल का लोगो लगाते हैं, फिर चैनल का आर्ट लगाते हैं जिसको हम बैनर भी बोलते हैं, और फिर अपने चैनल को जाके फुली कस्टमाइज कर लेते हैं। और बाद में हम अपने चैनल का अबाउट सेक्शन में लिखते हैं, वहाँ पे हम लिखते हैं कि यार हमें सब्सक्राइब करो, ये करो, वो करो, जो भी आपने लिखना होता है लिख देते हैं। बट मैक्सिमम सभी लोग क्या करते हैं कि अपने वहाँ पर जीमेल एड्रेस देना, मतलब ईमेल एड्रेस देना वहाँ पे भूल जाते हैं, तो वहाँ पे वो ईमेल एड्रेस प्रोवाइड नहीं कर पाते, जो कि उनकी बहुत बड़ी गलती होती है। और बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जिनको ये पता होता है कि ईमेल एड्रेस वहाँ पे डालना जरूरी है, पर ये नहीं पता होता कि वहाँ पे कौन सा ईमेल एड्रेस डलता है। और अगर आपने पहले से यूट्यूब में चैनल बना रखा है और वहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस प्रोवाइड नहीं किया हुआ, नहीं डाला हुआ, तो बता देते तो कैसे करना है। आप अपने यूट्यूब को ओपन करना है, वहाँ पे अपना चैनल ओपन करना, वहाँ पे देखेंगे तो एडिट चैनल का ऑप्शन मिल जाएगा आपको, उसके अंदर आपको डिस्क्रिप्शन वहाँ पे मिल जाएगा, तो वहाँ पे ओपन करना और उसके वहाँ पे अपना जीमेल एड्रेस जो भी आप देना है वो वहाँ पे दे देना। और अगर आप वहाँ पे सोशल मीडिया का कोई लिंक डालना चाहते हो, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर ट्विटर या फिर कोई भी अदर सोशल मीडिया का वहाँ पे लिंक डालना चाहते हो, तो इस तरीके से नहीं होगा, वो आपको गूगल क्रोम पे ओपन करना पड़ेगा, वो भी आपको बता देता हूँ किस तरीके से करना है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले अपने गूगल क्रोम ओपन करना, फिर डेस्कटॉप साइट करके अपना यूट्यूब स्टूडियो ओपन कर लेना, उसके बाद अपना यहाँ पे डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। ये कोई और चैनल जो कि मैं आपको यहाँ पे करके दिखाने के लिए ओपन किया हुआ है, और यहाँ पे देखो फुल जड़ी का जो निशान है जो कि कस्टमाइजेशन का, आपने सिंपल इसके ऊपर जाना है। अब यहाँ पे देखो इस तरीके से मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे अपना सोशल मीडिया का अगर आप अटैच करना चाहो कोई भी लिंक, जैसे ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया या फिर इंस्टा हो गया, कोई भी कर सकते हो। और सबसे पहले देखो यहाँ पे लेआउट हो चुका है, ये आपको यहाँ पे मैं फिलहाल एक्सप्लेन नहीं करने वाला, सीधा जाने वाले हैं हम बेसिक इन्फो के अंदर। और यहाँ पे आप देखेंगे तो अबाउट यहाँ पे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे आपने वो सब कुछ लिखना जो आप लिखना चाहते हैं, जैसे कि हाय गाइस मेरा नवा चैनल है, या फिर मेरे को सपोर्ट करो, लाइक करो, डिसलाइक करो, जो भी आपने लिखना है वो सब कुछ कर सकते हो। और उसके बाद आपने यहाँ पे ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करना है। बट उससे पहले मैं आप एक और चीज क्लियर कर देता हूँ, जैसे यहाँ पे देखिए ऐड लिंक का दिखा हुआ है, और यहाँ पे ऐड कर सकते हैं अगर आप जैसे कोई फेसबुक का करना चाहते हैं, फिर ट्विटर का करना चाहते हैं, फिर इंस्टा का करना चाहते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आप लिखेंगे जैसे कि मान लीजिए FACE फेसबुक लिख देते हैं, तो यहाँ पे फेसबुक का जो मेरे को लिंक है वो यहाँ पे डालना पड़ेगा, URL की जगह अपना यहाँ पे URL डालना पड़ेगा, उसका कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा। और जब आप इसका URL यहाँ पे डाल देंगे तो वहाँ पे दोबारा ऐड करने का ऑप्शन मिल जाएगा, जो कि अभी यहाँ पे ब्लू नहीं है, यहाँ पे आप ब्लू आ जाएगा जब मैं इसका URL डालूंगा, तो वो मैं फिलहाल आपको नहीं करता। तो यहाँ पे सिर्फ आपको बताने के लिए मैंने यहाँ पे ओपन किया कि किस तरीके से हम अपना लिंक को अटैच कर सकते हैं, चाहे किसी का भी सोशल मीडिया का हो वहाँ पे अटैच कर सकते हैं। और यहाँ पे लास्ट में देखेंगे यहाँ पे ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, और यहाँ पे और अपने अबाउट सेक्शन के यहाँ पे नीचे आपने जो भी अबाउट लिखा है उसके भी नीचे, तो यहाँ पे आपने दोनों जगह पे वो ईमेल एड्रेस डालना है जिसे आपने अपना यूट्यूब चैनल नहीं बनाया हुआ, मतलब कि जिस जीमेल एड्रेस से आपने अपना यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है वो ईमेल एड्रेस यहाँ पे गलती से भी मत डाल देना। क्योंकि अगर मान लीजिए गलती से आप अगर वो ईमेल एड्रेस डाल देते हैं जिस जीमेल से अपना यहाँ पे यूट्यूब चैनल बनाया, तो अगर कल का कोई हैकर भी अगर उसको हैक करना चाहेगा तो वो आपको पहले सबसे पहले अबाउट चेक करेगा आपने ईमेल एड्रेस दिया कि नहीं दिया, और हैकर सबसे पहले उस ईमेल एड्रेस को वहाँ पे ट्रैक करने की कोशिश करेगा, उसको हैक करने की कोशिश करेगा, और अगर वो हैक हो जाए तो आपका पूरा का पूरा यहाँ पे यूट्यूब चैनल भी हैक हो जाता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे आपने अबाउट में और यहाँ पे ईमेल एड्रेस में यहाँ पे दूसरा ईमेल एड्रेस दिया जो कि आपके चैनल का नहीं हुआ, तो आपको कोई परेशानी नहीं आने वाली, बट आपका जो मेन चैनल है वो आपका यहाँ पे सेफ रहने वाला है। और एक बात जरूर यहाँ पे याद रखना, जो आप यहाँ पे ईमेल एड्रेस देने वाले हो उसका भी 2-step वेरिफिकेशन जरूर करके रखना, क्योंकि वो भी आपको हैक होने से काफी ज्यादा हद तक बचा लेता है। तो ये तो मैंने बता दिया आपको हैक होने से बचाने के लिए ये ईमेल एड्रेस डालना है। अब बताता हूँ कि स्पॉन्सरशिप के लिए क्यों जरूरी है कि आपको दूसरा ईमेल एड्रेस डालना है। अगर आपके पास पहले से कोई जीमेल एड्रेस है, मतलब कोई और जीमेल आईडी बना रखी है आपने, तो वहाँ पे ये अटैच कर सकते हो। अगर आपका जीमेल एड्रेस नहीं है तो आपको एक नवा जीमेल एड्रेस बना लेना और उसको यहाँ पे लिंक कर देना, मतलब यहाँ पे डाल देना है। और जब आपका चैनल मोनेटाइज होता है, आपके अच्छे खासे सब्सक्राइबर होते हैं, अच्छे खासे व्यू आते हैं, तो कंपनी आपको स्पॉन्सरशिप के लिए मेल करती है। अगर आपने यहाँ पे अपना वो ईमेल एड्रेस डाला होगा जिससे आपका यूट्यूब का चैनल बना हो, तो आपको वहाँ पे स्पॉन्सरशिप में काफी ज्यादा परेशानी आ सकती है, आपको तो पता भी नहीं लगेगा कि स्पॉन्सरशिप आई और नहीं आई। अब ये होता कैसे वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अब मान लीजिए किसी भी जीमेल एड्रेस से आपने यूट्यूब चैनल बनाया और जितने भी आपके यूट्यूब चैनल के अंदर लाइक आएंगे, कमेंट आएगा, या फिर किसी ने सब्सक्राइब किया, या फिर कुछ भी आता है, ये ज्यादातर दिखता है। और हम अपने यहाँ पे देखते रहते हमें कुछ खास लगता नहीं है, और कई बार तो ऐसा होता है हमें पता है यार यहाँ पे कुछ खास आने वाला है नहीं, और हम अपना यहाँ पे जीमेल एड्रेस देखते भी नहीं, और इसी के दौरान अगर आपका स्पॉन्सरशिप आया था तो वहाँ पे वो भी मिस हो जाता है। और वहीं पे मान लीजिए आपने कोई ऐसा जीमेल एड्रेस दिया जो कि एक नवा है, जो कि कहीं पे आपने यूज नहीं किया, सिर्फ आपने यूट्यूब के काम के लिए इसको यूज किया है, तो वहाँ पे जितने भी स्पॉन्सरशिप वाली कंपनी होती है वो आपको डिस्क्रिप्शन देख के जो भी आपने ईमेल एड्रेस दिया था उसी पे आपको कॉन्टैक्ट करती है, उसी पे आपको मेल भेजती है। अगर आपका दूसरा होगा तो वहाँ पे ज्यादा आपको नोटिफिकेशन भी नहीं आएंगे, मतलब ज्यादा आपको मेल भी नहीं आएगा, मतलब लाइक डिसलाइक कमेंट ये सब आपको वहाँ पे नहीं आने वाला, जो कि आपको सिर्फ स्पॉन्सरशिप के लिए आएगा, तो इससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारा कुछ यहाँ पे समझ आ चुका है कौन सा ईमेल एड्रेस लगाना सही है। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, अगर कुछ भी पूछना हो तो मेरे को यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, यहाँ पे रिप्लाई ना मिला तो इंस्टाग्राम पे जरूर रिप्लाई मिल जाएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर जरूर चेक कर लीजिए। मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हरिओम।